नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हजारीबाग से जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले से पुलिस ने जेजेएमपी के 5 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सब जोनल कमांडर शामिल है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि झारखंड जनमुक्ति परिषद के ए उग्रवादी एक अन्य उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के नाम पर लेवी मांग रहे थे। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि इनके खिलाफ चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। हजारीबाग के एसपी ने एक विशेष टीम का गठन कर इन्हें जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश गांजू उर्फ बंधन और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी। टीम ने राजेश गांजू समेत 5 उग्रवादियों को हथियार और कारतूस के साथ पकड़ लिया है। दुमका में बंगाल बॉर्डर पर 16 लाख रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के दौरान मनी और मसल पावर के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि चुनाव के दौरान धन का प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को हर हाल में नाकाम किया जाएगा। इसके लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर देश के सभी राज्यों की पुलिस ने धन बल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत झारखंड के दुमका जिले से पुलिस ने 16,54,000 रुपये जब्त किए हैं। बता दें, NH-114A पर दुमका जिले के लोरी पहाड़ी में इंटर स्टेट चेक पोस्ट बना है। दुमका रामपुर हॉट मुख्य सड़क पर पश्चिम बंगाल की सीमा पर लोरी पहाड़ी के पास बने चेक पोस्ट पर दो अलग अलग व्यक्तियों से 16,54,650 रुपये जब्त किए गए हैं। झारखंड के होमगार्ड जवान नाराज, चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट। राज्य के गृह रक्षक यानी होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करेंगे। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा कर दी है। बता दें, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुरवा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड जवानों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है। धनबाद निवासी और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की थी। सरहुल शोभा यात्रा 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को उपवास। रांची में सरहुल शोभा यात्रा को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सरहुल की शोभा यात्रा 11 अप्रैल को निकाली जाएगी। वहीं 10 अप्रैल को सरना धर्मावलंबी उपवास पर रहेंगे। शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर बुधवार को केंद्रीय सरना समिति का बैठक केंद्रीय धूमकुड़िया भवन करमटोली में हुई। इस मौके पर फूलचंद तिर्की ने कहा है कि आदिवासी समाज पारंपरिक वेशभूषा वाद्य यंत्र के साथ शोभा यात्रा में शामिल होंगे। रांची में पहली बार 1970 में हतमा सरना स्थल से सिरमटोली तक कार्तिक उराव और डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज प्रत्येक टोला से जुलूस में समाज के लोग शामिल होते हैं। सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होने वाले आदिवासी अगुआ को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जुलूस में शामिल होने वाले के लिए बस, लाइट, शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा हो, इसके लिए सरकार से मांग की जाएगी। जेपीएससी कार्यालय का महाघेराव, 1 लाख अभ्यर्थी 1 अप्रैल को करेंगे घेराव। प्रेस क्लब में जेपीएससी गड़बड़ी व राजनीतिक मुद्दे पर बुधवार को सूर्य सिंह बेसरा, छात्र नेता व झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक इमाम सफी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 11वीं जेपीएससी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी गई है। छात्रों को विरोध के बावजूद परीक्षा रद्द करने के बजाय जल्दबाजी में गलत आंसर की जारी कर दी गई। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के बाद जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी से झारखंड के छात्र आर पार के मूड में हैं और आगामी 1 अप्रैल को 1 लाख से अधिक संख्या में अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के महाघेराव में शामिल होंगे। सूर्य सिंह बेस्तरा ने 11वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा की गड़बड़ी व मनमानी को गंभीरता मामला माना और 1 अप्रैल को छात्र महा आंदोलन का समर्थन किया है।
झारखंड कांग्रेस की तीन प्रत्याशी की घोषणा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने तीन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कालीचरण मुंडा खोटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं सुखदेव भगत लोहरदगा से और जेपी पटेल हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। बता दें, दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद चार राज्यों के 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें झारखंड के तीन उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जय प्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग से मैदान में उतारा गया है। रांची में होली पर 270 लोग रिम्स पहुंचे, 10 की मौत। इस साल होली के अवसर पर काफी संख्या में लोग खुद की और दूसरों की लापरवाही के कारण सड़क हादसा का शिकार हो गए हैं। कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है तो कुछ का अब भी गंभीर रूप से घायल होने के चलते रिम्स में उपचार चल रहा है। बता दें, 2 दिन तक मनाई गई होली के अवसर पर सिर्फ रिम्स में ही जिले भर से 270 लोग घायल होकर उपचार के लिए पहुंचे हैं, इसमें 10 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 5 लोग रांची के रहने वाले बताए गए। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को अब रिम्स में भर्ती रखा गया, अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में नशे में धुत होकर लोग हादसों का शिकार बने हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें नशा करने वालों ने सामने वाले वाहन चालक को हादसे का शिकार बनाया है। झारखंड में 2 दिनों के लिए मौसम अलर्ट जारी। झारखंड का मौसम फिर बदलने वाला है। बारिश वज्रपात होने के साथ तेज हवा चलने वाली है, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसका प्रभाव कई जिलों में देखने को मिलेगा, यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 27 मार्च 2024 को दी है। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक 28 और 29 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 30 मार्च को बारिश होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिलों में पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार 31 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। बोकारो में मधुमक्खियों के हमले से 40 से अधिक घायल। बोकारो के चंदन कियारी ब्लॉक रोड स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास मधुमक्खियों के हमले से 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए चंदन कियारी CHC पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना के बारे में CHC के डॉक्टर मीनू कुमार ने कहा है कि सभी मरीजों को जाँच के बाद इंजेक्शन लगा दिया गया। मरीजों के अनुसार दवाई कम पड़ रहा है, फिर जरूरत के अनुसार मरीजों की इलाज की जा रही है। अगर अब अधिक मरीज आएंगे तो दवा के लिए दिक्कत हो सकती है। वहीं मरीजों ने बताया है कि सुबह के समय साइकिल से आ रहे थे, इसी दौरान मधुमक्खियों ने डंक कर दिया, दौड़कर तालाब में डूबकर अपने जान बचाई गई है। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को CHC पहुँचाया गया है। प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका, बीच सड़क हंगामा। धनबाद के सदर थाना के बरमसिया विनोद नगर की रहने वाली युवती का पिछले 3 साल से धनसार थाना क्षेत्र निवासी युवक से प्रेम संबंध था। प्रेमी युगल का कहना है कि हम लोगों ने कुछ माह पहले कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है। स्थानीय लोगों ने बुधवार को बरमसिया विनोद नगर के समीप एक मंदिर में दोनों को बुलाया। इसी बीच लड़की के परिजन को मामले की जानकारी हो गई, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और फिर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़की की मां का कहना था, धनसार निवासी प्रेमी अक्सर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बेच देता है। वह इसी वजह से अपनी लड़की को उसके साथ शादी करने और रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। यह लोग उसकी बेटी को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह लोग लड़की को बेच सके। लड़का उसे झूठे ख्वाब दिखाकर बरगला रहा है। होली में 92 करोड़ की शराब गटक गए झारखंड के लोग। इस वर्ष होली के अवसर पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 23 से लेकर 26 मार्च के बीच राज्य में कुल 92.62 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई है। इसी बीच एक दिन 25 मार्च को दुकानें बंद भी थी। उत्पाद विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 23 मार्च को 21.25 करोड़, 24 मार्च को 47.50 करोड़ व 26 मार्च को 23.87 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। बता दें, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक शराब की बिक्री हुई थी। पिछले वर्ष होली में 17 करोड़ के शराब की बिक्री हुई थी, इसमें सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई थी।
पेट्रोल भराने के विवाद में दो परिवारों में मारपीट, 12 घायल। गुमला जिले में पेट्रोल भराने के विवाद में दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई है। इसमें पंचायत समिति सदस्य समेत 12 लोग घायल हो गए। मामला होली के दिन यानी मंगलवार का है। पुलिस ने बताया है कि गुमला शहर से सटे तेल गांव में होली पर्व के दिन मंगलवार को दोपहर में दो परिवारों के बीच मामूली बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में कम से कम 12 लोग घायल हो गए। घायलों में पंचायत समिति सदस्य सुशीला देवी, उनके पति प्रदीप साहू व परिजन बनु साहू, कार्तिक गोप आदि शामिल हैं। तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा से मिले जेपी पटेल। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से कांग्रेस नेता जेपी पटेल जयशंकर पाठक ने मुलाकात की है। इसके बाद झारखंड खासकर हजारीबाग की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। हजारीबाग के ऋषभ वाटिका आवास में जाकर हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जेपी पटेल ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। बता दें यशवंत सिन्हा इंडिया फोल्डर के गठन के नींव रखने वालों में एक हैं। पूर्वी सिंहभूम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवक घायल। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर कुलडीहा गांव के समीप एक अज्ञात कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर की है। घायलों की पहचान भालुकडीह निवासी राजेश सिंह, रोहित सिंह, रोहित महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस की सहयोग से घायलों के जादूगोड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से जादूगोड़ा की ओर जा रहे थे, तभी कुलडीहा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। पलामू में पूर्व कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या। पलामू के चैनपुर में अपराधियों ने एक पूर्व कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान राजमोहन पोलू के रूप में हुई है। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो सकी। अपराधियों ने उनके घर के सामने ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू पुलिस अधीक्षक समेत सदर SDPO मणिभूषण प्रसाद, चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी, इंस्पेक्टर जीत राम महली समेत कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से बात कर मामले की जानकारी ली है। बता दें कि अदालत ने उसे 10 वर्ष की सजा सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ ही दिन पूर्व ही वह जेल से बाहर आया था। गुमला में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत बसिया थाना के पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें लुंगटू पंडरा टोली के लक्ष्मण सिंह व लुंगटू गांव के सुनील कुमार शामिल हैं। इन दोनों के पास से पिस्तौल व गोली बरामद हुआ है। बताया जाता है कि ये सभी किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, तभी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोनों को पकड़ा। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बसिया अनुमंडल के SDPO नाजिर अख्तर ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गुमला के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। कांग्रेस के दरवाजे पहुंचे बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। रांची से 5 बार भाजपा के सांसद रह चुके राम टहल चौधरी और गिरिडीह से पूर्व सांसद रविंद्र पांडे बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दोनों नेताओं ने कई घंटे कांग्रेस मुख्यालय में बिताए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। देर शाम तक चौधरी को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें रांची से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो पांडे को धनबाद से। बता दें बुधवार को ही उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगने को लेकर चुनाव समिति की बैठक निर्धारित थी। देर शाम 8 बजे तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी, लेकिन यह बात चर्चा में आई कि रांची, खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। पलामू पुलिस ने विदेशी शराब की 100 बोतल समेत 1 को किया गिरफ्तार। पलामू की विश्रामपुर थाना के पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ अभियान में भारी सफलता मिली है। विश्रामपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुसुलमा गांव में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान गांव के सुमारू साहब के घर से 100 बोतल विदेशी शराब की बोतल को बरामद किया गया। इसमें किंग फिशर बियर 650 ml की 49 बोतल और एम्पीरियर ब्लू की 180 ml की 51 बोतल शामिल है। पुलिस ने सुमारू शाह को गिरफ्तार कर लिया है।
सिमडेगा में जंगली सुअर का खौफ, धारा 144 लागू। जंगली सुअर द्वारा 9 लोगों को घायल करने व एक की जान लेने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिथरा पंचायत में धारा 144 लगा दी है। अनुमंडल पदाधिकारी सुमंत तिर्की ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है। इसके तहत पंचायत में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह नहीं जमा होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने, हरवे हथियार या किसी तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं चलने तथा किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन नहीं करने का निर्देश दिए गए। विदित हो कि पत्र में आशंका व्यक्त की गई है कि ग्रामीण जंगली सुअर को ढूंढने अथवा भगाने का प्रयास कर सकते हैं। HEC के सप्लाई कर्मचारी को मिला 1 माह का वेतन। HEC बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति की पहल पर बुधवार को HEC के सप्लाई कर्मचारियों को 1 माह का वेतन भुगतान किया गया। यह वेतन भुगतान डायरेक्टर HEC यानी प्रिंसिपल एम्पायर ने किया है। बता दें, पिछले दिनों CMD से वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 21(4) के आधार पर ठेकेदार नहीं रहने पर HEC डायरेक्टर वेतन भुगतान कर सकता है। बता दें, HEC में लगभग 1500 सप्लाई कर्मचारी हैं, वहीं लगभग 1100 अस्थायी कर्मचारियों को 22 मार्च को 1 माह का वेतन भुगतान किया गया था। दुमका में सीता सोरेन की अग्नि परीक्षा। दुमका लोकसभा सीट पर इस बार सीता की अग्नि परीक्षा है। भाजपा ने अपने पहले से घोषित प्रत्याशी सुनील सोरेन को वापस कर सीता सोरेन को चुनाव में उतारा है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने झामो से बगावत कर भाजपा का झंडा थामा और चुनावी सबर में कूद चुकी है, लेकिन वहां उनकी राह उतनी भी आसान नजर नहीं आती। बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनील सोरेन का टिकट वापस लेना भाजपा के लिए आत्मघाती निर्णय साबित हो सकता है। सुनील सोरेन ने भले ही भाजपा आलाकमान के फैसले का स्वागत किया, लेकिन अंदर से नेतृत्व के इस फैसले से खफा है। धनबाद में होली के दौरान 10 लोगों की मौत। धनबाद कोयलांचल में वैसे तो होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन अलग अलग हादसों में 2 दिनों में 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 मौतें नदी, कुएं और तालाब में डूबने से हुई है, जबकि 7 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। अधिकांश मामलों में मौत का कारण नशा बताया जा रहा। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। बता दें, सिंदरी के डोमगढ़ निवासी युवक संजय बाहुरी दोस्त के साथ होली खेलने सिंदरी आया था। इसी क्रम में डोमगढ़ में दोस्तों के साथ नहाने चला गया, नशे की हालात में होने की वजह से गहरी पानी में डूब गया। बाइक पकड़ी तो पुलिस वालों को पीटा, 2 गिरफ्तार। रांची सदर थाना क्षेत्र स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने पुलिस वालों की जमकर धुनाई कर दी। घटना सोमवार दोपहर की है। हालांकि अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से 5 में से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अंकित बैठा और हर्ष बैठा शामिल हैं, वहीं सुनील बैठा और मदन बैठा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में आरक्षी निमाई कुमार ओझा के बयान पर सदर थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी रिमांड में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हाई कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्रित किए होंगे जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे। यह तथ्य इस याचिका के लिए भी जरूरी होगी। ईडी को सुने बिना हम इस पर फैसला नहीं ले सकते। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। सुबह हाई कोर्ट ने CM केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। धन्यवाद।